दोस्तों, आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है और अपना नाम जो है ऐड करना चाहते हैं, आप जो है अपना आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से जो है बिल्कुल फ्री में ही जो है अपना आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से ही। तो दोस्तों, आप अपना आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसानी तरीके से बताने वाला हूँ। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है, और ब्राउजर को ओपन करने के बाद में आपको सिंपली सर्च बार में डाल देना है NHA। इतना डाल के आपको सिंपली सर्च पे प्रेस कर देना है। जैसा कि आप NHA डाल के सर्च पे जैसे प्रेस करेंगे तो आपको सबसे फर्स्ट पे वेबसाइट मिल जाएगी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। आपको सिंपली इस वाले वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, और इस वाले वेबसाइट पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट जो है कुछ इस तरह का ओपन हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो जो है कितने लोगों का जो है आयुष्मान कार्ड के थ्रू जो है इलाज हो चुका है, यहाँ पर नंबर वाइज में लिखा ही होगा, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और कितने लोगों का जो है आयुष्मान कार्ड जो है इशू हो चुका है, यहाँ पर आप देखेंगे इस कार्ड में आयुष्मान कार्ड इशू यहाँ पर लिखा होगा ना, और यहाँ पर नंबर भी लिखा होगा कि कितने लोगों का जो है इशू हो चुका है आयुष्मान कार्ड। अब दोस्तों, आपको अपना आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा PMJAY, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, और इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये अगला विंडो जो है कुछ इस तरह का ओपन हो जाता है। तो अब दोस्तों, यहाँ पर इस कॉर्नर में आप देखेंगे तो लिखा होगा ग्रीवेंस पोर्टल, तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। तो आप ग्रीवेंस पोर्टल वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये अगला डिटेल जो है कुछ इस तरह का ओपन हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर्ड योर ग्रीवेंस, तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बीच में ऑप्शन मिल जाएगा ना, आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है, और इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये अगला डिटेल कुछ इस तरह का ओपन हो जाता है। यहाँ पर लिखा होता है ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर, तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है, और इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट पे ऑप्शन मिलेगा PMJAY, आपको सिंपली इसी पे सेलेक्ट कर लेना है। और इस पे सेलेक्ट करने के बाद में आपको सिंपली रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म जो है कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आपको पूरा डिटेल फिलअप करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रीवेंस बाई यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी ही रहने देना है, क्योंकि आप जो है आप स्वयं ही अपने मोबाइल से कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिशियरी पे सेलेक्ट रहने देना है। और उसके बाद में यहाँ पर लिखा होता है कास्ट टाइप, आपको यहाँ पर कंप्लेंट, इंक्वायरी, रिक्वेस्ट और सजेशन यहाँ पर लिखा होगा ना, तो आपको सिंपली रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि आप जो है अपना आयुष्मान कार्ड जो है इशू कराना चाहते हैं, तो आपको सिंपली रिक्वेस्ट पे सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर लिखा होता है आर यू एनरोल्ड अंडर PMJAY, आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना होता है, नो पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि अभी जो है आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है। अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना होता है तब तो आपको एस पे क्लिक करना है, जैसा कि आप जो है अपने परिवार में किसी भी मेंबर का नाम ऐड करना चाहते हैं अपने आयुष्मान कार्ड के थ्रू, तो आप यहाँ पर एस पे क्लिक करना है। और अगर आपका आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना हुआ है, आपका नाम जो है आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में ही नहीं है, तो आपको यहाँ पर सिंपली नो पे सेलेक्ट कर लेना है, और नो पे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ ओके का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। और ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपको नो कर देना है, और नो करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो बेनिफिशियरी डिटेल यहाँ पर लिखा होगा ना, तो आपको सिंपली यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, जैसा कि आपको वही नाम एंटर करना है जो भी आपके आधार कार्ड में हो, आपको वही नाम सिंपली यहाँ पर कैपिटल लेटर में एंटर कर लेना है। और अपना नाम कैपिटल लेटर में यहाँ पर एंटर करने के बाद में यहाँ पर लिखा होता है जेंडर, अब आपको यहाँ पर सिंपली अपना जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, मेल है कि फीमेल है, और अपना जेंडर को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को भी सेलेक्ट कर लेना है, और डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर लिखा होता है कॉन्टैक्ट नंबर, तो आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर सिंपली फिलअप करना है, जो भी इस टाइम आपका मोबाइल नंबर चल रहा हो ना, तो आपको उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर पूरा फिलअप करना है। और उसके बाद में यहाँ पर अपना स्टेट को भी चूज करना है, आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हों अपना स्टेट सिंपली यहाँ से सिंपली चूज कर लेना है, और अपना स्टेट को यहाँ पर चूज करने के बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर चूज करना है, और डिस्ट्रिक्ट को चूज करने के बाद में एड्रेस का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर अपना फुल एड्रेस यहाँ पर पूरा फिलअप करना है। और फुल एड्रेस को फिलअप करने के बाद में अगर आप ईमेल आईडी को भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ईमेल का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा होता है ग्रीवेंस डिटेल्स, तो अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पर लिखा होता है ग्रीवेंस एजेंट, तो आपको सिंपली सेलेक्ट पे क्लिक करना है, और सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद में आप जो है हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनी या कॉल सेंटर, आपकी सर्विस सेंटर, आप जो है इनके थ्रू जो है अपना आयुष्मान कार्ड तो बना नहीं रहे, तो आपको यहाँ पर एक अदर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सिंपली अदर्स पे क्लिक करना है, और अदर्स पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ग्रीवेंस एजेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर लिख देना है कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से लिख देना है, और उसके बाद में यहाँ पर स्टेट लिखा होता है, तो आपको यहाँ पर अपना सिंपली स्टेट चूज करना है, किस स्टेट के थ्रू जो है अपना आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं, अपना स्टेट यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करना है, और अपना स्टेट यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट करना है, और डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर लिखा होता है नेचुरल ऑफ ग्रीवेंस, तो आपको यहाँ पर अपना जैसा कि आप अपना आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं आपको क्या बीमारी है, आपको वो समस्याएं आपको पूरा यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर लिखा होता है ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर 3000 वर्ड में जो है आपको अपनी बातों को यहाँ पर सिंपली फिलअप करना है, जैसा कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, जो है गरीब फैमिली से आते हैं,
हैं, आपके परिवार में जो है बहुत लोग बीमार रहते हैं और आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, तो आपको अपना पूरा इन्फॉर्मेशन पूरा यहाँ पर पूरा फिलअप करना है। जैसे कि आप यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर अगला स्टेप आ जाता है अपलोड फाइल्स का, और यहाँ पर नीचे लिखा होता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो अब आपको यहाँ पर अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जैसा कि यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके जो है अपना फाइल को अपलोड करना है। जैसा कि आपका फाइल जो है PDF और JPG या एक्सेल या वर्ड फाइल में होना चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है, जैसा कि आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड को यहाँ से अपलोड करना है। आपको सिंपली सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके आपको आधार कार्ड को अपलोड करने के बाद में आपको सिंपली ऐड पे क्लिक करना है। और ऐड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आ जाता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड को अपलोड करना है। मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तब आपको इस कंडीशन में आपको अपना जॉब कार्ड यहाँ से अपलोड करना है। और जॉब कार्ड को यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके आपको सिंपली ऐड पे क्लिक करना है। और ऐड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ से सिंपली आपको अपना राशन कार्ड को अपलोड करना है। और राशन कार्ड को अपलोड करने के बाद में आपको सिंपली ऐड पे क्लिक करना है। और ऐड पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक और सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर आपको पूरा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जैसे कि आप यहाँ से अपना 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, यहाँ से पूरा अपना अपलोड करना है। और अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद में इस कार्ड में आप देखेंगे तो लिखा होगा अपलोड ऑडियो वीडियो। आपको जो है अपना एक वीडियो बनाना है। जैसा कि आपको अपने मोबाइल में जो है एक वीडियो बनाना है, या जो है आप ऑडियो के माध्यम से भी बना सकते हैं कि आप उसमें बता सकते हैं कि मेरा आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बना, मेरे बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ। आप इसी तरह जो है आप उस वीडियो में या ऑडियो में बोल सकते हैं। और बोलने के बाद में आपको सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके जो है अपना जो है यहाँ से ऑडियो वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं आपको इस वाले ऑप्शन को छोड़ देना है। और इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाए डिक्लेरेशन का, तो आपको सिंपली इसी पे सेलेक्ट करके और उसके बाद में आपको सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिटेड सक्सेसफुल हो जाएगा। और सबमिटेड सक्सेसफुल होने के बाद में आपको एक रसीद मिल जाएगी, और उस रसीद में जो है आपको एक UGN नंबर मिल जाएगा। अब आपको अपने मोबाइल में इसको स्क्रीन शॉट करके रख लेना है, या आपको उस नंबर को जो है कहीं पर नोट करके रख लेना है, क्योंकि आपको एक हफ्ते बाद जो है अपना स्टेटस भी चेक करना है कि आखिर में आपका आयुष्मान कार्ड बनाया गया कि नहीं बनाया गया, आपका आयुष्मान कार्ड इशू हुआ कि नहीं हुआ, आपको किस तरह से जो है अपना स्टेटस भी चेक करना है। मैं आपको चलिए बता देता हूँ कि आपको किस तरह से जो है अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक रिटर्न बैक का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक करके जो है आपको फिर से उसी पेज पे बैक आ जाना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रैक योर ग्रीवेंस, तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है। और इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये अगला स्टेप जो है कुछ इस तरह का ओपन हो जाता है। और यहाँ पर लिखा होता है UGN, तो आपको अपना UGN नंबर को यहाँ पर सिंपली लिख देना है। और UGN नंबर को लिखने के बाद में आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करके जो है अपना स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आखिर में जो है आपका आयुष्मान कार्ड बना कि नहीं बना, आपका आयुष्मान कार्ड का फॉर्म जो है फॉरवर्ड हुआ कि नहीं हुआ। और इसी तरह जो है अपना फॉर्म फिलअप करिएगा और इसी तरह जो है अपना स्टेटस भी चेक कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि आखिर में अपना आयुष्मान कार्ड किस तरह से जो है आपको अपने मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा बना के लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।